देखिए, सभी को होली की मुबारकबाद। नहीं, मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिवाली पे होली की शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं। अब दिवाली दिवाली कहाँ रही, ना पहले की तरफ मिठाइयां खिलाई जाती हैं कोरोना के डर से, ना पटाखे बजाए जाते हैं। पटाखे नहीं, हमारे पटाखे तो हमारे बज रहे हैं। हम रोक रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मोदी जी पटाखे पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कोई भैया समझाइए उन्हें, अब क्या जाया करके ही मानेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस में एक माचिस की तिल्ली है और वो मैं हूं। जब मैं ही अपना घर पूरा फूंक चुका हूं तो फिर आपको हाथ गंदे करने की जरूरत क्या है। और मेरा वादा रहा, जिस आदमी ने 52 साल की उम्र तक इसी हाथ का इस्तेमाल किया है, वो इन्हीं हाथों से और खासतौर से इस वाले हाथ से ऐसी लंका लगाएगा। और वैसे भी हमें दिवाली वगैरह से क्या लेना देना, हमें तो ईद से लेना देना होता, आपको पता ही है। बकरा ईद हो गई, सेवई वाली ईद हो गई। आई एम अ सन ऑफ मिस्टर फिरोज खान। गाली तो हमने लगा दिया आगे कि चलो ठीक है, सिंपति लेने के लिए। बाकी तो सबको पता ही है, जनता बहुत समझदार है, उन्हें सब पता है। पर आपसे एक बात बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो इस गांधी परिवार का एक सदस्य हमेशा आपके पास आता रहे, आपको गुदगुदाता रहे, कपिल को कंपटीशन देता रहे, कपिल शर्मा को, और आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाता रहे, तो वोट जरूर कीजिएगा। जहां भी कीजिएगा, कहीं भी कीजिएगा, कांग्रेस को कीजिएगा। क्योंकि अब तो मैं अध्यक्ष भी नहीं रहा हूं, पता नहीं मैं क्या, मेरे खुद नहीं समझ में आता कि मैं हूं क्या और मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता है। पर एक दिन आपको यह एहसास जरूर होगा कि मेरी सोच कितनी सही थी। जो बंदा आपको अभी से ही होली की शुभकामनाएं दे रहा है दिवाली पे, तो सोचिए उसकी सोच क्या होगी। या गलत कह रहा हूं भैया? तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय मम्मी की, जय मातेश्वरी।